गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जिसको चलाने की जिम्मेदारी फिलहाल गौतम अडानी के मालिकाना हक वाली कंपनी अडानी समूह की है। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन पकड़े जाने के बाद अडानी समूह ने एक बयान जारी किया और कहा कि 16 सितंबर 2021 को DRI और सीमा शुल्क के एक संयुक्त अभियान में अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित हेरोइन पकड़ी गई। ये कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर DP वर्ल्ड टर्मिनल पर पहुंचे थे। हम अवैध ड्रग्स को जब्त करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए DRI और सीमा शुल्क विभाग के टीमों को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। कानून भारत सरकार के सीमा शुल्क और DRI के सक्षम अधिकारियों को गैर कानूनी कार्गो को खोलने, जांच करने और जब्त करने का अधिकार देता है। देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता है, उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह बयान अडानी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा। APSEZ एक पोर्ट ऑपरेटर है जो शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गो पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। आइए अब आपको अडानी पोर्ट्स की 2021 और 22 की पॉलिसी दिखाते हैं। पेज नंबर 6 पर लिखा है, We are committed to provide a safe and secure working environment to all its employees, port users, cargo, ships and its personnel. This will be achieved by establishing and maintaining the required security measures to prevent unlawful acts against people, cargo and marine assets. We shall strive to detect and deter unauthorized entrants and criminal activities in port facilities and react timely and correctly when such activities are encountered. अब देखिए, अडानी पोर्ट पर 3000 किलो हीरोइन मिली, जिसकी कीमत 21000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। और अब पकड़े जाने के बाद अडानी समूह अपने बयान में कहता है कि देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता है, उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गो पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप पॉलिसी पढ़ते हैं, उसमें अडानी मुंद्रा पोर्ट की पॉलिसी कहती है कि वी शैल स्ट्राइव टू डिटेक्ट एंड डिटर अनऑथराइज एंट्रेंट्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज इन पोर्ट फैसिलिटीज एंड रिएक्ट टाइमली एंड करेक्टली व्हेन सच एक्टिविटीज आर एनकाउंटर्ड। अब इस खुलासे के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपये के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आई एम अगेन रिपीटिंग विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हीरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अडानी मुंद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुंद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है।
इन 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है और हीरोइन ड्रग्स की यह खेप अदानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है।